शान, गफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान में, कहारियों गफारियों कुद्दूसियों जबरूत के चार अनासिर वक्त बनता है मुसलमान। मेरे मोहतरम उसासा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। सदर अली वकार, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मर्द मोमिन इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। आप 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसे आज भी पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन शख्सियत जाना जाता है। इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है। अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। दंगे की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सोने ना जिंदानों से डर लगता है। जिलावे सदर, मेरे वतनी अजीज के हुक्मरान हाल में मशगूल लिए हर वक्त अपनी मजबूरियों के तहत भीख मांगने का इंतजार कर रहे हैं। बकौल इलामा इकबाल, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस भीख ने मेरे मुल्क की हालत कहां से कहां तक बदल डाली है। यार ये है इकबाल का पाकिस्तान। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की तो जान ले इकबाल का ख्वाब था क्या। अरे ये ख्वाब एक ऐसी सियासत का ख्वाब था जहाँ अदल और इंसाफ हो, जहाँ की मशरक की खवातीन मशरक से तुलू होने वाले सूरज की माने मुस्तकबिल रोशन की शामिल हो। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की तो जान ले हमने तो अंग्रेजों की फेंकी हुई वोटिंग के बस अपने ही भाइयों को वोटिंग कर डाला। अरे हमने अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारकर शहादत की फजीलत से लपेट दिया। इलामा इकबाल कहते हैं क्यों सिखाते हो इन्हें इंकलाब के रास्ते, ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते। जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते। ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। इकबाल बहुत सारा है कि अगर कोई इसकी रोशनी लेना चाहे तो उसका तन रोशन हो जाए। जी हाँ, इकबाल इंसान को मोमिन बनने में मदद देता है।